स्वागत है आप सबका मेरा चैनल क्यू क्रिप्टो, क्रिप्टो की दुनिया, फ्री माइनिंग की दुनिया। तो दोस्तों आज पाई में चर्चा करेंगे। पाई कल पाई डे है, 14 मार्च है, तो उससे लेकर रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं। ये खबरें सच है, झूठ है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इन सब पर आज पर्दा डालेंगे। बहुत सारी खबरें हैं पाई के बारे में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो कहा है, कोई कह रहा है इसे टेस्ला एक्सेप्ट करने वाले हैं, कोई कह रहा है इसे अमेजोन एक्सेप्ट करने वाले हैं, नासा ने इसके बारे में कुछ रिकमेंड किया है। तो ये सब जो खबरें आई है इनमें कितनी सच्चाई है, इस पर आज हम हमारे आज वीडियो में चर्चा करेंगे। और कोरडाओ में जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया, अपने बचे हुए मंथली कोर्स जाके क्लेम कर लीजिए। सब डिटेल्स कल या परसों के वीडियो में डाला है और आज एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप वीडियो पे आई पे भी क्लिक करते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं कोरडाओ में, हाँ, अगर और किसी को रिसेंटली ज्वाइन भी करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा ऐप है ये कोरडाओ। अभी फिलहाल इसकी माइनिंग बंद है लेकिन बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो जो लोग पहली बार आए उन लोग देख लेना, उनका ऐप अगर आप खोलते हो तो आपका स्पीड 100 दिखेगा, ठीक है। माय हैश ये जो है वो आपका 100 दिखेगा। तो वो बढ़ाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आपका यहाँ गिफ्ट कार्ड लिखा है तो गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करना है। गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करते ही यूज़ बेनिफिट्स होगा, येलो वर्ड्स में लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको कोड मांगेगा। तो ये मैं आपको 10 कोड्स दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी कोड उठा लेना, वहाँ पर डाल देना और कन्फर्म कर देना और उसके बाद क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आप अगर आके देखते हैं तो आपका स्पीड ऐसे 130 हो जाएगा। ये स्पीड बहुत मायने रखता है माइनिंग में, ये स्पीड बहुत मायने रखता है। कल को अभी जो प्रोजेक्ट है टेस्ट 1 टेस्ट 2, ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है। कल ऐसे हमारे पास 8 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं माइनिंग के लिए। उस वक्त आपको हैश पावर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। तभी देखते हैं पाई में क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं। पाई के ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। लास्ट ट्वीट इन्होंने कब डाला था, तो 8 मार्च को डाला था। 8 मार्च के बाद कोई भी ट्वीट नहीं है और पूरे मार्केट में हवा है कि 14 मार्च को मिननेट आएगा, 14 मार्च को कुछ ना कुछ बनेगा। आप किसी भी चैनल पर चले जाओ, देखो यहाँ पर भी देखा, समथिंग बिग इज कमिंग, 14th मार्च 2023, पाई डे 2023। तो हर ट्विटर हैंडल में आपको 14 मार्च से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। ये क्यों देखने को मिल जाता है, क्योंकि 14 मार्च 2019 को पाई के माइनिंग चालू हुई थी। तो हर किसी को लग रहा है कि अभी 14 मार्च को ये कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं ट्विटर हैंडल में, ओरिजिनल ट्विटर हैंडल में, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में, हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो पता नहीं वो सरप्राइज रख रहे या क्या कर रहे, कल कुछ आएगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कुछ भी हमें पॉजिटिव दिखने को नहीं मिलता। वैसे चलते हैं पाई न्यूज़ पर चलते हैं, तो देखो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा है जैसे, जजिंग फ्रॉम द सीरीज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई है, बंद हो चुकी है ये बैंक, उसके ऊपर जजिंग करते हैं, इट इज ओनली, तो कोर टीम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम रख रही है ताकि इनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द पाई नेटवर्क ग्रोज इन जेडी एंड फाइनली ओपन्स द मेन नेटवर्क। तो पाई नेटवर्क कुछ भी कर सकता है, पाई मेन नेट कभी भी खुल सकता है। और क्या अफवाहें हैं पाई नेटवर्क के बारे में, आपके साथ एक एक डिस्कस कर लेता हूं। तो एक ऐसी न्यूज़ है यहां पर कि पाई नेटवर्क 140 दिन में इथेरियम को भी पीछे छोड़ जाएगा। तो हर कोई कह रहा है कि पाई का रेट इतना बढ़ेगा कि ये 2 नंबर का कॉइन बन जाएगा। तो वो ये अफवाह क्यों हुई है, इसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये अफवाहें क्यों मार्केट में आई है, तो ये एक न्यूज़ थी, इसमें लिखा था कि 140 दिन में पाई नेटवर्क ओवर कैप्चर कर। तो ये न्यूज़ देखो अभी क्या होता है, लोग क्या होता है, न्यूज़ अलग होती है लेकिन आधी सुनते हैं, अपने हिसाब से उसका कंसेप्शन बनाते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। अभी ये न्यूज़ सच है ओके, लेकिन लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, लोगों ने आपके सामने कैसे लाया। तो देखो अभी ये न्यूज़ है रिलेटेड है ट्विटर हैंडल के बारे में। तो अभी ये आने वाले 140 दिन में मतलब 4-5 महीने में 2 नंबर पे आ जाएगा, तो ये न्यूज़ उससे रिलेटेड है। तो ये मार्केट में पाई की रेट इतना बढ़ जाएगा, पाई मार्केट में 2 नंबर पे आएगा, इससे इसका कोई वास्ता नहीं, समझ गए, ये न्यूज़ निकाल देते। दूसरी न्यूज़ है कि नासा एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नासा एक्सेप्ट कर रहा है पाई को। अरे नासा का क्या रिलेशन है भैया,
नासा ने ये ट्वीट डाला था, इसके वजह से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया और उस वजह से लोगों को लग रहा है कि नासा ने इसे रिकमेंड किया। नासा ने क्या कहा है, टीचर्स डे सेलिब्रेट पाई डे इन योर क्लासरूम। यहां पर पोस्टर भी डाला है, पाई का डाला है, नासा पाई डे चैलेंज भी दिया है। तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि नासा ने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो ये पाई एक मैथमेटिकल नंबर है, 22/7। 14 मार्च को मनाया जाता है, उसी वजह से पाई नेटवर्क वाले ने भी 14 मार्च को ही पाई नेटवर्क लॉन्च किया। यहां तक समझ गए? तो नासा सिर्फ पाई डे सेलिब्रेट कर रहा है, मैथमेटिकल नंबर पाई डे, इसका पाई नेटवर्क से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी बात है एक और, एक ऋषि सुनिक्स फर्स्ट स्पीच, क्रिप्टो एंड सीबीडीसी रेगुलेशंस गिव्स पाई नेटवर्क अ होप फॉर लीगलाइजेशन इन यूके। यूके में ये लीगलाइज किया जाएगा। तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बना है यूनाइटेड किंगडम का, हैज मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल स्पीच ऑफ अजम्पशन। तो ऑफिस में आते ही उसने स्पीच कर दिया। उसने क्या कहा, देयर आर हाईलाइटेड द नीड टू क्रिएट अ डिजिटल वर्जन ऑफ ब्रिटिश पाउंड। तो उसने क्या कहा था कि ब्रिटिश पाउंड का डिजिटल वर्जन बनाएगा वो, विच ही सेड विल एनेबल इजी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड रिड्यूस कैश इन सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर डिजिटल करेंसी बनाता है, डिजिटल पाउंड बनाता है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में तकलीफ कम हो जाएगी, कैश की सर्कुलेशन कम होगी, ये उसका राय था। तो उससे रिलेटेड लोगों ने कुछ मन बना लिया, कुछ कहानी बना ली, और फिर इन सपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन क्रिप्टो करेंसी इंक्लूड्स पाई एज अ रेगुलेटेड मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोडक्ट इन द ग्रेट नेशन। तो उस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये लोग पाई को भी रेगुलेट करने वाले। तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। और ये कल की बात, कल या परसों की मैंने ली थी, अमेजॉन एंड टेस्ला आर इवेंचुअली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड पाई नेटवर्क। तो अमेजॉन और टेस्ला पाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी आर्टिकल में नीचे मैंने आपको दिखाया था कि इसी आर्टिकल में उन्होंने खुद ही कहा है, देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम द पाई कोर टीम। तो देखो पाई कोर टीम से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इस बारे में। तो बस पाई नेटवर्क को अलग ही रखे। एक तो पहले इसके साथ फेक लिस्टिंग हो चुकी है, तो अब बहुत सारे हैकिंग हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं, इसके नाम पर बहुत सारे चीज हो रहे हैं। तो आप इन सब से अलग रहिए, कोई भी न्यूज आए उसको फॉलो मत कीजिए, कहीं पर जाके पाई बाय मत कीजिए, सिर्फ पाई में माइनिंग कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाई में माइनिंग करना दोस्तों, समझ गए? और कोर में जो लोग नए आए हैं, आज ही इसमें माइनिंग चालू कर देना और ये गिफ्ट कोड्स अप्लाई कर देना, ताकि आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही बढ़िया अच्छे अपडेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर हैंडल फॉलो करना चाहते हो तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पर विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।